हेलो दोस्तों, आज हम आपको 2015 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप 10 मूवियों के बारे में आपको बताएंगे। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 10 पर मूवी है सिंगलेस बिलिंग। इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रभु देवा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, एमी जैक्सन, लारा दत्ता, के मेनन और कुणाल कपूर शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे मीत ब्रॉस। इस मूवी का बजट 91 करोड़ रहा। भारत में कमाई 89.95 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 149.10 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 9 पर मूवी है बेबी। इस मूवी के डायरेक्टर थे नीरज पांडे। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, डैनी, राणा दुगपति और के मेनन शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे एमएम किरावनी। इस मूवी का बजट 75 करोड़ रहा। भारत में कमाई 95.56 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 140.54 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 8 पर मूवी है वेलकम बैक। इस मूवी के डायरेक्टर थे अनिश बज्मी। इस मूवी के लिए कास्ट में नाना पाटेकर, अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, श्रुति हसन और साइनी आहूजा शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक। इस मूवी का बजट 80 करोड़ रहा। भारत में कमाई 96.69 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 168 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमेट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 7 पर मूवी है एबीसीडी 2। इस मूवी के डायरेक्टर थे रेमो डिसूजा। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रभु देवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, धर्मेश और पुनीत शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे सचिन नागर। इस मूवी का बजट 65 करोड़ रहा। भारत में कमाई 105.74 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 161.49 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 6 पर मूवी है बाहुबली। इस मूवी के डायरेक्टर थे एसएस राजामौली। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रभास, तमन्ना भाटिया, राणा दुगपति और अनुष्का शेट्टी शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे एसएस किरावनी। इस मूवी का बजट 180 करोड़ रहा। भारत में कमाई हिंदी में 118.70 करोड़ हुई। हिंदी, तमिल, तेलुगु में 516 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 650 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन हमने इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में 118.70 करोड़ के कलेक्शन के हिसाब से रखा है। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 5 पर मूवी है दिलवाले। इस मूवी के डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन और बोमन ईरानी शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे अमर मोहिले। इस मूवी का बजट 100 करोड़ रहा। भारत में कमाई 148.72 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 376.85 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमेट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 4 पर मूवी है तनु वेड्स मनु रिटर्न। इस मूवी के डायरेक्टर थे आनंद एल राय। इस मूवी के लीड कास्ट में आर माधवन, कंगना रावत, जिम्मी शेरगिल और सुहारा भास्कर शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे कृष्णा सोलो। इस मूवी का बजट 39 करोड़ रहा। भारत में कमाई 150.80 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 255.30 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 3 पर मूवी है बाजीराव मस्तानी। इस मूवी के डायरेक्टर थे संजय लीला भंसारी। इस मूवी के लीड कास्ट में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे संजय लीला भंसारी। इस मूवी का बजट 145 करोड़ रहा। भारत में कमाई 184.20 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 355.61 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 2 पर मूवी है प्रेम रतन धन पायो। इस मूवी के डायरेक्टर थे सूरज आर बड़जात्या। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, सोनम कपूर, नील, नीतीश, मुकेश और अरमान कोहली शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे हिमेश रेशमिया। इस मूवी का बजट 180 करोड़ रहा। भारत में कमाई 210.16 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 388.48 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। कलेक्शन के हिसाब से नंबर 1 पर मूवी है बजरंगी भाईजान। इस मूवी के डायरेक्टर थे कबीर खान। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, हर्षाली मल्होत्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और करीना कपूर शामिल थे। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे प्रीतम। इस मूवी का बजट 125 करोड़ रहा। भारत में कमाई 320.34 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 918.18 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही और यही सन 2015 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी रही। दोस्तों, आपको 2015 की इन मूवियों में से कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।